करें? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। आज की दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है आरटीओ के रिलेटेड। आरटीओ में जो नेग्लिजेंसी हो रही है, जो आरटीओ की तरफ से लापरवाही हो रही है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जम्मू में लगभग एक सवा साल से कई लोग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फीस भी भरी जाती है, देन उसके बाद जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो ट्रायल भी लेता है, सक्सेस भी होते हैं लोगों के, कई लोगों के ट्रायल्स, और उसके बाद उनको जो लाइसेंस दिया जाता है, इशू किया जाता है, वो डिजिटल कॉपी की जाती है, यानी कि वो डिजी लॉकर में जाती है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होती है, यानी कि कार्ड होता है, वो जम्मू के कई लोगों को इशू नहीं किया जा रहा है। दिक्कत यहां पे आ रही है। अब होता क्या है कि जब कार्ड इशू नहीं किया जाता है तो वो जो हमारे लोग हैं ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, तो कई ट्रैफिक वाले उसको डिजी लॉकर का जो लाइसेंस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके चलान इशू किए जाते हैं। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स आई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मोस्टली कार्ड इशू नहीं की जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने जगह जहां पर लोग रसूखदार है या यहां पर करप्शन इन्वॉल्व है, पैसा वैसा दिया जाता है, उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हम एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहेंगे और उनसे गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये जो लापरवाही या नेग्लिजेंसी या आप करप्शन समझ लीजिए जो हो रही है, इसको रोका जाए। हमारे जम्मू के लोग बहुत सफर कर रहे हैं, जबकि ये बड़ी छोटी सी बात है। अगर इतनी ऐसी चीजें हो रही है और कई सारे डिपार्टमेंट है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। मैं चाहता हूं जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्पेसिफिकली इस चीज के लिए है, इस इश्यू को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से कई लोग हमारे पास आ रहे थे, बात कर रहे थे। अब क्या है कि जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब मेरे साथ बैठे हैं हमारे राजेंद्र थापा जी, इनके सामने भी कई लोगों ने अप्रोच किया, अभी आपको एक दो एग्जाम्पल बताएंगे और बताएंगे आपको। देखिए, ये मेरे पास कागज हैं, इन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है, ये सबूत है मेरे पास। तो डिजी लॉकर में ये आया है। होता क्या है कि जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं तो डिजी लॉकर में कभी नेट नहीं चल रहा होता, और कभी वो जो ट्रैफिक वाले हैं वो इस बात को मानते नहीं है। मेरे तलाब दिलों की बात बताऊं, मेरे पास 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एजेंट के थ्रू बनाए, यानी कि करप्शन की वजह से, तो उनके उनके लिए स्टेशनरी आ गई। अगर आप फीस भी ले रहे हो, ट्राई दे रहे हो, बच्चे वहां जितने भी कैंडिडेट हैं वो पास कर रहे हैं, ये सबूत है कि 1-3 महीने से जो है स्टेशनरी की बहाना लगा के आरटीओ जम्मू जो है लाइसेंस इशू नहीं कर रहा है, और पर्टिकुलर कुछ बंदों को कर रहा है जो एजेंट के थ्रू आ रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जहां उनके नोन बंदे हैं। तो मैं आरटीओ साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये धंधा जो है करप्शन का, इवन गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जहां तो आरटीओ साहब को चेंज कर दीजिए, जहां ये जो करप्शन चल रही है, ये जो बहाना चल रहा है स्टेशनरी का, इस पर रोक लगनी चाहिए और आम जनता को लाइसेंस इशू होने चाहिए।